जी को, हमारे जो लीडर्स हैं साधन जी को, आप लोग
लोगों का क्रेडिट है, ये आज जो ग्लोरी है ये आप लोगों की, ये मेरी नहीं है, मुझे कभी बुलाया गया। एंड ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस एक साथ हो जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम सही दिशा में सब साथ में जा रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल यंग लीडर सिटिंग विद अस, एंड उनकी सपोर्ट से ही हुआ है जो मुझे मालूम पड़ा है अब। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू जुहू एंड आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर वी हैव अ लीडर लाइक हिम एंड पीपल लाइक यू हू आर लीडर्स, खास करके अशोक जी। अगर अशोक जी को आज ही आपको फोन करो तो पहले आ जाएंगे, फिर पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। So thank you so much for that I'm a part of your family. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. बॉलीवुड के सिंगर जैसे हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ के माफिया से लड़ते हैं, बॉलीवुड के माफिया से लड़ते हैं, और हमें नाज है आपके ऊपर, और हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड का भविष्य हैं। पीके दास साहब, भरत शेट्टी जी, वर्तक साहब जो पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, हमारे बड़े भाई अशोक पंडित जी, सेवक प्रवीण राठौर जी, सोल के नगर सेविका सुधा सिंह जी, नीता जी, संगीता जी, गोविंद जी, विमल जी, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी फिर भी आए सभी जू के आजू बाजू के परिसर के हमारे सभी नागरिक। मैं बस एंटर कर ही रहा था तो मुझे किसी ने भाई साहब ने काम में पूछा कि ये नंबर क्या है, तो नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसलिए मैंने मेरा अपना मोबाइल निकाला और चेक किया है वो लिस्ट इन माई मोबाइल कि जितने ओपन स्पेसेस डेवलप किए हैं उसकी मैं लिस्ट मेंटेन करता हूँ। तो ये आज का नंबर 43 है। सो दिस इज 43 ओपन स्पेस विच वी हैव टुगेदर डेवलप्ड इन द लास्ट 8 years, एंड दिस इज आई थिंक द 4th or 5th one which was a complete dumpyard. So right from scratch जो हमने बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो गुलमोहर एरिया रेसिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप को जाता है, क्योंकि मेरा रोल वॉज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एलोकेटिंग फंड्स एंड गेटिंग द वर्क डन, बट उस स्पॉट को बचाना, उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ना, माफिया के साथ लड़ना। And I know that this case has gone up to the Supreme Court. And उस समय के जो VP माना थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको strictures पास हुए Supreme Court के ruling में, और उन्हें शायद fine भी हुआ था दस साल, 2 lakh rupees fine हुआ है उनको for passing wrong orders. और Supreme Court तक लड़ाई लड़ने के बाद में ये जगह जो है वो यहाँ के local residents के अंडर आई है एज एन ओपन स्पेस। मैं आपको इसलिए वो ये बता रहा था दास साहब कि आई जस्ट वॉन्टेड टू वेरीफाई बट द माफिया हियर और जनरली द लैंड माफिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि अभी तक यानी आज दोपहर तक भी मुझे लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं। बिकॉज दिस लेटर विच आई शोड यू इज एक्चुअली आई जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म ये एनओसी है जो हरा ने हमें दी है ये प्लॉट डेवलप करने के लिए। And somebody from somewhere through somebody sent me this letter saying that we want to speak to you regarding this subject. अभी कनाडा में के रेडी हो गया जनरल से नहीं क्या बात कर रही है। तो स्टिल वन नॉट लॉस्ट होप, हाँ, because you know we also have to be vigilant because there are 2 or 3 other open spaces which we have developed where there is an open space existing. And in spite of that existing open space, there are parties in the market who are claiming title of that particular land and fighting a case at the tehsildar and the local city survey office. So you should not be surprised if tomorrow also somebody comes up, Ashok ji, and claims ownership to this part of land and files a case or whatever, go to various authorities and try to create a dispute. So we should be vigilant. Our fight doesn't stop here. We have got this open space, we have developed open space. Now the next challenge is to maintain this open space and keep it in the hands of citizens forever. This is more than that, I don't see news. लेकिन वहाँ पर 24 घंटा टीवी नहीं है, वो सारे चैनल्स चालू हो गए, बहुत सारी न्यूज़ मुझे उनसे पता चलती है कि आज ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सोसाइटी में बिल्डिंग में यहाँ वहाँ। तो उस पे से मैं अंदाज लगाता हूँ कि पॉलिटिक्स भी लोगों की एक बहुत रुचि का विषय बन गया है,
और ये अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति में 2014 के बाद में एक रेवोल्यूशन आया है, एक क्रांति आई है। और दास साहब आपने बात सही की कि जो बदलाव आता है, जो रेवोल्यूशन होता है, वो नीचे से आता है। नीचे से तो बदलाव आता ही है, लेकिन ऊपर से जो बदलाव आता है उससे क्या होता है, ये हमारे देश ने पिछले 8 साल में देखा है। ऊपर से कोई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर कोई काम करे तो बहुत कम समय में कितना बड़ा चेंज हम ला सकते हैं, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। और आने वाले समय में भी हमारे मन में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारी इनकम्प्लीट चीजें भी हैं। हम चाहते हैं कि वर्सोवा बीच के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल की एक वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल भूल है, हम जहाँ पर रहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोहित जी, बिल्कुल 65 मिलियन लॉ, तो 65 मिलियन ईयर हो, 6.5 करोड़ साल पुराना हो, वो रॉक है, उसका हमने कॉन्जर्वेशन करके लिया है। उसके ऊपर एक सुंदर बहुत गारदेवी माता का मंदिर है। अभी हम चाहते हैं कि वहां पर एक ट्यूबुलर लिफ्ट हम लगाए ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन ऊपर तक नहीं जा सकते, वो सारे ट्यूबुलर लिफ्ट से ऊपर जा सकेंगे। फिर हमारे यहाँ पर हमने रिसेंट में प्रपोजल एक दिया है, जुहू में एक अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी बनाने का प्रपोजल दिया है। बिकॉज यू नो आई नो दैट जुहू, गुलमोहर, जेवीपीडी, ये सारे एरियाज बहुत कंजेस्टेड है, सो देयर इज नो स्पेस फॉर पार्किंग। बहुत सारे बिल्डिंग्स में एक आदमी के घर में 4 गाड़ियां है, 2 गाड़ी बिल्डिंग के अंदर पार्क होती है, 2 गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क होती है। सो इफ देयर इज अ पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी लाइक द वन वी हैव इन बीकेसी, बीकेसी में ऊपर सुंदर मैदान है जियो ग्राउंड, और उसके नीचे 2000 गाड़ियों की एक पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी है। सिमिलर अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसका एक प्रपोजल हमने दिया हुआ है। दूसरा, हमने एक अंडरग्राउंड पालिका बाजार का प्रपोजल रिसेंटली लास्ट वीक में दिया हुआ है। सो वी हैव आस्क्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पालिका बाजार वेयर ऑल द हॉपर्स ऑन द रोड कैन बी रिहैबिलिटेटेड इन दैट थिंग। सो एट द सेम टाइम वी विल क्लियर अवर रोड फुटपाथ्स, रोड फुटपाथ्स को